मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि माई हस्बैंड इज़ इनोसेंट एंड आई वॉन्ट जस्टिस. एंड मैं ये जानती हूँ कि उनकी कोई भी इंटेंशंस मोलेस्टेशन या सेक्सुअल हरासमेंट की नहीं थी, ना हो सकती है, क्योंकि वो वैसे इंसान है ही नहीं. मेरे हस्बैंड के मामा जी की डेथ हुई थी तो चौथा था, वो चौथे से आ रहे थे. ही वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक, शैटर्ड थे बिकॉज अ यंग डेथ इन द फैमिली. तो आप समझ सकते हैं कि जब आपका कोई नियर इंडिया वन जाता है तो इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग. एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने 24 घंटे से इंसान सोया नहीं था. ही वॉज टायर्ड मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड वाइल ही वॉज स्लीपिंग. हो सकता है उनका पैर आर्मरेस्ट पे गया होगा, जो कि दिख रहा है कि आर्मरेस्ट पे रखा हुआ है, नॉट विद द इंटेंशन ऑफ मोलेस्टिंग और सेक्शुअली हरासिंग मिस वसीम. ये जानती हूँ कि अगर किसी तरह का सेक्शुअल हरासमेंट या मोलेस्टेशन होता है तो इंसान उसी टाइम रिवोल्ट करता है, उसी टाइम रिएक्शंस देता है. तो वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ था. मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ और वो एक्स इनकम टैक्स ऑफिसर के बच्चे हैं. आप जानते हैं बोथ द प्लेसेस वी आर पेरेंट्स हैव सर्व द नेशन. एंड आपको भी पता है कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज आर गिवन टू किड्स हु बिलोंग टू सच आर्म्ड फोर्सेस एंड सच बैकग्राउंड्स. तो सवाल ही नहीं उठता कि वो किसी लेडी को वैल्यू, उसकी वैल्यू करना या रिस्पेक्ट ना करें. सो ये सवाल सेक्सुअली हरासमेंट मोलेस्टेशन का मैं मान ही नहीं सकती. ही इज़ एन इनोसेंट मैन एंड आई वॉन्ट जस्टिस एंड आई वॉन्ट दैट ही शुड बी बैक होम.